सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ध्यान रखें, आज हम बात करेंगे, अभी तक हम सिंपल संख्या से एंटी लॉग बनाते थे तो हमें ये 3 पॉइंट निकालना पड़ता था। इसी तरह 3 पॉइंट आपको मिला हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, ये चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, आप उसका यूज करना है। जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यान प्लस वन प्लस होगा, ऐसे दशमलव के बाद प्लस होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, ऐसे नॉर्मल निकालें, 3 है या ये पॉइंट के बाद क्या है, 3 है, 3 रख दीजिए, 3 प्लस 1 बराबर 4। मतलब यदि आपका कोई भी संख्या 4 से ज्यादा होती है तब आपका दशमलव लगेगा, कितने संख्या 4 के बाद यदि होता तब दशमलव लगेगा। यह 3 आपका कहां से मिला, समझ में आया, 3 कहां से मिला, दिया हुआ है और प्लस 1 आपका सूत्र है और जोड़ दिया 4 आया है ना। अब देखिए तो हमारे पास एंटी लॉग कैसे बनेगा, देखिएगा, ये आप हमारे पास 3 का रोल हट गया, यहां होगा हमारे पास एंटी लॉग, यहां लिखेंगे एंटी लॉग 53.86, ये दिया हुआ। अब बात ये होती है एंटी लॉग, इसमें 53.86 ये दशमलव वाली बातें चल रही हैं, तो दशमलव वाला एंटी लॉग देखिए, एक सिंपल एंटी लॉग बताए थे, एक आपका जैसे 1 10 से लेकर 90 था, आज हम बात करेंगे एंटी लॉग। तो सबसे पहले हम इसको देख लें, 53.86 यह ध्यान है, आगे कौन सी कॉलम देखेंगे, दशमलव 53.86 यहां देखेंगे एंटी लॉग, हम बात करेंगे 53.86 दशमलव वाला 53.86 में देखिए 53.86 का 8 देखिए 53 हो गया, कौन सा नंबर, 8 है तो 8 नंबर 53.86 का 0 से दशमलव पहले ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दशमलव वाली पॉइंट उठाएगी, ध्यान रखिएगा है ना, इसलिए जैसे आपका 3 पॉइंट है तो यह दशमलव वाला है, ये आपका ध्यान रखें, 3 का रोल 3 पॉइंट पॉइंट है ना, 53.86 मतलब हो गया ये आपका, अब मतलब हो गया ना, ये चीज हमारे पास आया 53.86 हमारा 3 देखेंगे तब 53 आगे देखेंगे और कौन सी लाइन 8वीं, और आगे वाले टेबल में 2 टेबल होती है ना, सिंपल होती है फिर आगे वाले 6 नंबर, ठीक है, 53 हमारे पास दिया है तो हमारे पास आ क्या गया बेटा, 34 इंचावन में अगला में देखे आपका 6 दिया तो 6 में क्या हो जाएगा, 5 प्लस कर देंगे, 5 प्लस 5 ठीक है, तो जुड़ जाएगा, फिर एक बार देखो समझिएगा, ये 53 का कौन सा लाइन, 8वीं लाइन, कौन सी लाइन, 8वीं लाइन, और अगले वाले में क्या हो जाएगा, हमने बताया था ना ये आपका 0 से 1 2 3 है, फिर एक बार फिर से 1 2 3 4 आ जाता है, ये चीज आपको देखना है, ठीक है, ये चीज है ना, ये तो आपका हमारे पास क्या हुआ, ये दशमलव वाला है तो दशमलव वाली पूरी क्वांटिटी देखेंगे, 53 हमने दशमलव वाला है ना, 53 का 34 55 5 जोड़ दिया, 5 कहां से आया, ये 6 वाला आगे वाला जो 1 2 3 नंबर दिया ना तो उसमें 0 नहीं है, 3 दिया है, 1 2 दिया रहता है, ठीक है, इसका जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 34 56 ये आपका आंसर, देख लो दशमलव के बाद आपका सिंपल। अब ये हमारे पास 3 प्लस 1 दिया तो 4 के बाद यार 4 संख्या के आगे कोई भी संख्या होती तो क्या होता है, दशमलव लग जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ, ये हमारे पास पहला आंसर हुआ। दूसरा हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया है, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ये दिया है ना, इसी तरह से हम बात कर लेंगे, ताकि सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, यान प्लस वन तो कितनी संख्या है, 2, तो यहां हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3, 3 10 आप 3 जो भी 3 संख्या के बाद आएगा तो उसमें आप पॉइंट में दशमलव दिया गया है हमारे पास। इसी तरह से देख लीजिए हमारे पास लिखेंगे एंटी लॉग, बिल्कुल सिंपल, ये आपका एंटी लॉग 2.5386 दिया हुआ है, गिवन कंडीशन हमारे पास है। अब हम 53 का 8वां नंबर, वही चीज ध्यान रखा, 53 का 8वां नंबर वही चीज है, 34 55 प्लस 6 का वही आपका क्या हुआ, 5 प्लस कर देंगे 5, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, तो यह आएगा 34 56 34 56 दिया है। आप इसे बोला 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, तो देखिए 1 2 3 3 है ना, 3 के बाद हमको क्या करना है, दशमलव लगा देना,
यहाँ चार था इसलिए चाहे 1 2 3 4 था, 4 के बाद यदि कोई भी संख्या हो जाए दशमलव लग गया था 4 के बाद, यहाँ 3 है 3 के बाद दशमलव लग गया। अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट है ना, अगला हमारे पास पॉइंट क्या दिया बेटा, 0 पॉइंट क्या दिया है 0 आगे यान प्लस 1, तो 0 मतलब होता है कुछ नहीं नथिंग, 0 प्लस 1 बराबर 1 आया, ठीक है प्लस करना है इसलिए आपका 1 आया है, 1 आ गया। अब हम बात करेंगे एंटी लॉग 0.5886, ठीक है ये आपका दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे इसका अगले वाला, वही आपका 0 दिखेगा, 58 देखेंगे, क्या देखेंगे 58 नंबर देखेंगे, 53 होगा ना बेटा, यहाँ मिस्टर वाई 53 ही है, वही उठा रहे संख्या 53 कर लीजिए, वही चीज आएगा 53, हम देखो 53 का 8 नंबर वही आएगा 3451 है ना, आप प्लस कर देंगे 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 3456, पर एक की संख्या के बाद दशमलव आ गया, कितने बार संख्या के बाद एक संख्या, तो 3 के बाद आपको यह दशमलव आ जाएगा, ठीक है 3.451 एक संख्या के बाद दशमलव, एक के बाद तुरंत लगा, इसमें 3 के बाद लगा, इसमें 4 के बाद कोई भी संख्या नहीं इसे नहीं लगा है, ये चीज आपका बन जाएगा, देखो बिल्कुल समझ में आया। आगे आपका ये सब पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाला तो आपका टेबल आपको बताए 2 होती है, एक 10 से शुरू होती है 99 जाती है, एक 001 मतलब होता है 0.00, 0.02, 0.03 से शुरू होकर, उसी तरह से आपका पॉइंट वाली देखना है, कौन सा टेबल देखना है पॉइंट वाली टेबल देखना है, ध्यान रखिए क्योंकि सब पॉइंट वाले सवाल चल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज विशेष महत्व है, यहाँ देखिए इधर देखिए भैया आप ये चीज हमारे पास देखो, एक हमारे पास सवाल एक विशेष महत्व है, ये आपका एक लिखा है उसके बाद माइनस लगा है, क्या लगा है माइनस लगा, इस माइनस का रोल क्या होता है, माइनस का मतलब होता है घटती हुई चीजें आई हैं, है ना, तो हमारे पास जब माइनस है तो यहां माइनस लगा दीजिए, क्या लगाएंगे सूत्र में माइनस लगाएंगे, तो 1 लिखा देखो यान माइनस 1, ठीक है ऐसा उसमें कुछ भी नहीं सका था प्लस माना जाता था, जब कोई भी संख्या में कोई भी चीज ना लगा तो कहा जाता था प्लस माना जाता है, या तो माइनस लगा तो माइनस मानेंगे, तो 1 संख्या है 1 दिया है 1-1 बराबर 0 मतलब 0 आपका आ गया, आ गया 0। अब हमारे पास क्या होता है एंटी लॉग कैसे बनाएंगे देखिएगा, एंटी लॉग लिखेंगे यहां 1 पॉइंट, यह आपका दशमलव है ये माइनस है, इसे हम बार भी कहते हैं, माइनस ना कह के बार कहें, ठीक है बार 6326 आपका दिया हुआ है। अब देखेंगे आपका क्या है 63 का दूसरा नंबर देखना है, कौन 63 का दूसरा नंबर देखिए, 63 का दूसरा नंबर देख लें, 63 का दूसरा नंबर, 63 का दूसरा नंबर आपको दिया है 4285 आपको दिया हुआ, 4285 दिया हुआ है, देखिए हमारे पास 63 का 85 दिया है, और कौन सा नंबर 6 नंबर, 6 नंबर मतलब होता है आपको अगली वाला टेबल में 6 प्लस 6 दिया है, ठीक है प्लस 6 बात समझे, 63 का कौन सा कॉलम देखे पॉइंट वाले ध्यान देंगे ना, 63 कॉलम का दूसरा और अगले वाले में 6 नंबर, 2 कॉलम होती है बताए ना, आपका 0 शुरू होती है, छोटी सी आपका दिया है मिनी टेबल होती है उसमें आप ये देखेंगे है ना, आप क्या आ जाएगा बेटा आपका आ जाएगा 43, 42 और 91 आ गया। अब आपका ये आपका देखो 0 मतलब होता है 0 के बाद कोई भी आपका संख्या क्या दे आप 0 लगा देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के बाद दशमलव, तो 0 आप यहां रखेंगे दशमलव लगा देंगे, ठीक है ये चीज आगे समझ में सबके क्लियर हुआ, हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, ये चीज इस बात का मतलब यह होता है कि आपका माइनस चिन्ह होता है ये चीज। दूसरी चीज हमारे पास दूसरा फिर दिया है 10-1 करेंगे, यहाँ 2 दिया है नीचे करिए 2 है, और 2 में हमारे 2 माइनस सॉरी 2
माइनस वन बराबर वन आएगा, ठीक है, ये चीज आपका वन आ गया, है ना। इसी तरह से लिखेंगे एंटी लॉग लॉग टू बार पॉइंट सिक्स थ्री टू सिक्स बराबर, ये चीज हमारे पास क्या हुआ, अब हम 63 का वही सेम टू सेम देखेंगे आपका 42 वही चीज आएगा, क्योंकि हम बार बार एंटी लॉग नहीं देखना चाह रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा ले लिए हैं 86 प्लस 6 बराबर। अब आपका एक एक संख्या के बाद आपको दशमलव लगाना है, क्या लगाना है, एक संख्या के बाद लगाना है, एक संख्या इसका रोल ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी संख्या में आप ये लगा रहे इसके बाद एक संख्या होती तो मतलब जीरो बढ़ाना पड़ता है, दो चीज ध्यान रखिएगा, हम बता रहे थे यदि आपको जैसे आपका दो संख्या मिलती है जैसे 3, 4, 5 मिला, ठीक, ये मिला एक आपको मिला था 0.01 मिला था, तो ये जीरो मतलब होता है इसका बार मतलब ये माइनस होता है, माइनस का शो करता है, बार का शो करता है, ये आपका जैसे जीरो है आपका इसमें कुछ नहीं था तो जीरो लगा दिया, अब इसमें आपका जीरो है तो मतलब वन है तो मतलब उसके जीरो पहले लगाएंगे, आपको पॉइंट है 0428 एड हो जाएगा 91। फिर से एक बार ध्यान रखिए, देखिए आपका क्या होता है कि सिंपल संख्या थी आपके बार वाली को, इसमें आपका वन आया तो वन जीरो आया तो जीरो नहीं लगा, यदि यही मान लीजिए वन आता तो पॉइंट के पहले जीरो लगा दे, यहां मान लीजिए टू वन आया तो वन लगा दे, अब मान लीजिए थ्री आ जाए, यही मान लीजिए और चीज ले लेते थ्री ले लेती हूँ, एंटी लॉग और बात करते हैं, एंटी लॉग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थ्री ये हो गया पॉइंट हो गया 63 26 हो गया, है ना, वही चीज आपका सेम टू सेम आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी सेम टू सेम कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ये कंडीशन ले लेंगे 42, अब यहाँ घटा देंगे देखिए तो हमारे पास क्या हो जाए, ऐसे नॉर्मल माइनस कर देते हैं, यन माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा तो 3 - 1 बराबर 2, अब 2 आया था 2 का पहले रखेंगे, ऐसे 42 आपका 42 या आपका 63 है वही आपका है, प्लस 6 करेंगे तो आपके कितने बाद दशमलव लगाएंगे वो पॉइंट के बाद 1020, अभी वहां एक था एक जीरो लगा यहां 2020, इस तरह 3 होता 3 जीरो लग जाता, ओके, अब वही चीज आ जाएगा 42 91, ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिए, बिल्कुल थोड़ा सा मिस्टेक किसी भी प्रकार से ना हो, ये आपका थोड़ा सा एक बार फिर से फोकस कर दीजिए थोड़ा सा, ये आपको एंटी लॉग बना हुआ था, एंटी लॉग बना हुआ था, हमने आपका एंटी लॉग मतलब 3 पॉइंट है, ये पॉइंट वाला प्लस में हुआ, प्लस में हुआ, ये प्लस में हुआ, यहाँ आपका वार कंडीशन आई इसलिए आपका माइनस हो गया, बार संख्या का बार माइनस हो गया, माइनस में आपको ये चीज ध्यान रखना है, बस थोड़ी सी लॉजिक चीजें, जैसे वहां 0.25 था, हमने अभी सवाल पहले करा चुका है, एक बार आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा बन जाएगा फिर से, है ना, तो हमारे पास एक जीरो हुआ तो जीरो नहीं लगा, या एक संख्या होता तो एक जीरो आपका लग जाता तो दशमलव बाद, यहाँ दो संख्या है तो दो के बाद लग गया, तीन होता तीन लग जाता, चार होता चार लग जाता, ये सबसे विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या हुआ सिंपल एंटी लॉग से सिंपल क्वांटिटी हमने निकाला, ठीक है, हमारे पास आगे हमने सिंपल संख्या से लॉग निकाला और लॉग से हमने एंटी लॉग निकाला, ये दोनों प्रक्रिया हो गई, अब हम बात करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं प्लस पर बात करेंगे, कहां पर बात करेंगे प्लस पर, ध्यान रखिएगा बार का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है प्लस का बार करने, है ना, चलिए हम बात करते हैं निम्नलिखित को हम ऐड करते हैं, ऐड फॉलो द मतलब ऐड करते हैं, ऐड में आपको दो चीज ध्यान रखना, आगे सिंपल जैसे आपको दशमलव में आप कोई भी हो आप सिंपल ऐड करते हैं, सिंपल ऐड करिएगा, कैसे सिंपल ऐड करते हैं तो यहां दो चीज ध्यान रखना, प्लस इनटू प्लस वाला प्लस इनटू प्लस बराबर प्लस, माइनस इनटू माइनस वाला इसका रोल है, अभी हम बताएंगे डिस्कशन करेंगे, इस पर ध्यान रखिएगा, आप जैसे आगे सिंपल ऐड करते हैं ऐड करते हैं, इस बार का बहुत बड़ा वैल्यू है, इस बार में जो बार बार आ जाता है बार तो उसमें आपका एक बहुत बड़ा वैल्यू है, जैसे माइनस से हम लोग नॉर्मल बात बात में कहें तो माइनस लग जाता है वो चीज, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं, चलिए ऐड करते हैं, ये हमारे पास ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5 + 7 बराबर 12, ये 2 अब गया 3, 2 + 1 क्या हुआ 3, एक हमारे पास 4 आ गया, ठीक है, अब हमारे पास क्या 4 9 हमारे पास ये क्या हुआ
हमारे पास 3 + 2 5, एक आपका प्लस मतलब होता है माइनस, वो क्या कहता है आपका हासिल कंडीशन होती है, जो हम कल यहाँ बचा था वही हम ले लिए, 5 हो गया, 5x6, ये आपका आंसर सिंपल संख्या आपका आ गई, तुम्हारे पास आंसर मिला सकते हैं, ये हमारे पास आंसर दिया, ठीक है। अब आपको बात आती है, अभी तो ये सिंपल था, आपने ये बिल्कुल सिंपल ऐड कर लिया, अब आपके इसमें बार आ जाता है, बार का क्या वैल्यूएशन होती है समझिएगा, इसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बार की संख्या का मतलब होता है, एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए, जब भी बार आए, मतलब बार आए उसमें आपको क्या करना है, उस वाली संख्या जो सिंपल संख्या है तो उसमें ऐड कर लेना है, कोई भी जो मतलब होता है हासिल जो आती है उसको ऐड कर लेना है। कैसे ऐड कर लेना है समझिएगा अच्छे से, है ना। हमारे पास क्या हुआ, 9 × 5 = 14, 9 × 5 = 14 = 15, 8 × 8 = 3 = 11, 12, 6 = 16, 15 = 16, 10 एक बच रहा है ना, एक आप क्या करेंगे किसमें ऐड करेंगे, एक आप इसमें जोड़ लें, पहले जोड़ लें, इसमें जोड़ें ऐड करें, इसमें ऐड कर लें, आप ऐड कर लें कैसे, जो आप बता था क्या हो जाए, 5 × 1 = 6, 4 है तो 4 × 1 = 5 हो जाएगा, 5 में से हम क्या करेंगे, 5 में से हम 2 निकालेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 3। अब आप बोलोगे सर कि 3 कहां से आया, आप बोल सकते हैं बिल्कुल नो डाउट पर आप बोल सकते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे आपको ये आपको पूरी संख्या हुई, हमारे पास हासिल एक बचा था, तो हमारे पास देखो 9 सा मतलब होता है 8, 9, 6 × 9 = 15 होता है, हासिल एक 16 हुआ, 16 का हमने 6 लिख दिया, हमारे पास 16 के हमने 6 लिख दिया, ठीक है। अब एक बच रहा है, तो हमारे पास एक कहां जुड़ता है ना, आप भी जानते हैं जुड़ता है, तो ये ऊपर वाला माइनस था, तो हमने इसलिए इसे में प्लस कर दिया, क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो प्लस 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 हो गया, तो ये 4 × 1 = 5 हो गया, 5 × 2 ये हमारे पास 5 में से माइनस है, ये माइनस को करता है तो क्या हो जाएगा, 5 में से हमने क्या निकाल दिया, 1 प्लस कर देते हैं, 5 में से हमने 1, 2, 3 निकाला, हमारे पास क्या हुआ, 5 में से 2 निकाला, हमारे पास 3 हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें सिंपल तरीके से, हमारे पास इसमें आप अब इस बार ये माइनस है, हमारे पास यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यह बाहर लगा हुआ है, नीचे वाले में लग गया, ठीक है। जो सिंपल संख्या है उसमें ऐड कर लो, हो गए कैसे संख्या, जैसे आपका ऐसे इसमें हमने ऐड कर दिया, तो ये सिंपल संख्या है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे जो भी हासिल आएगा, ठीक है। बस ये माइंड में थोड़ा सा फ्रेश रहे, फ्रेश करके रखें, तो हमारे पास क्या होगा, 7 × 4 = 1, 9 × 8 = 17, 1 × 18 = 8, अब ये क्या हुआ, 2 × 1 = 3, ये हमारे 9 × 7 = 16 × 6 आ गया, एक बच रहा है ना, तो ये माइनस लगा हुआ है, बार लगा इसलिए माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे, इसमें आप ऊपर वाले में जोड़ दीजिए, तो 3 क्या हो गया, 4 हो गया, क्या हुआ, 4, 4 में से आपका 2 निकालेंगे क्या हो जाएगा, 4 में से 2 निकालेंगे 2 आएगा, किसमें ऐड हुआ, इसमें ऐड हुआ, इसे इसमें आपका सिंपल संख्या था इसमें ऐड हो गया। अब आप बात ये होती है, हमने सिंपल संख्या जोड़ा, हमने एक बार वाला एक नीचे वाला जोड़ा, इसमें नीचे वाला ऊपर कर दिया, हमने इसमें ऐड कर दिया था हासिल, तो 4 × 1 = 5 हुआ, 5 में से 2 निकल गए, 3 आया, इसमें समय देखा 4 में से 2 निकल गया, आपका माइनस हुआ, क्योंकि माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता है माइनस, इसलिए हमारे पास इसलिए घट रहा था, नहीं हम आप कैसे जोड़ भी देते, आप दोनों चीज देखते, आप दोनों में जब माइनस हो क्या करेंगे समझ लीजिएगा, चलिए इसको देखते, एक हो गया, दो हो गया, दोनों 33 हो गया, तीसरा प्रश्न माइनस बार बार दोनों, अब भी प्लस करना है, तो समझिएगा दोनों चीज हमारे पास माइनस इनटू माइनस बराबर, आप जानते हैं प्लस होता है, ये अच्छे से जानते हैं ये चीज। अब आप तो देखिएगा, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी चीज जो ऐड कर लीजिए, 6 × 4 = 10, 0, 7 × 4 = 11, 12, 9 × 7 = 16, 1 = 17, अब यहां 9 × 2 = 11, 10, ठीक है। अब हमारे पास दोनों में बार लगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस हमारे पास दोनों में हुआ, तो दोनों हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहली चीज हमारे पास दोनों हमारे पास आ गया, तो सबसे बड़ी चीज हमारे पास ये चीज
अब हमारे पास सबसे बड़ी समस्या, हमारे पास कंडीशन आई कि हमारे पास यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, हासिल हम क्या कर देते हैं, किसी में घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, हासिल है जोड़ देते हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, आठ हो जाएगा। बात समझो, ये माइनस और ये माइनस जोड़ लो तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह वही रहता है, आप भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस फाइव माइनस थ्री बराबर क्या हुआ, सेवन, पर माइनस सेवन रहेगा, एक हासिल हुआ, तो आप जानते हो प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हुआ, प्लस हमारे पास ये होगा, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेवन, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हुआ, सेवन हो गया, ये चीज हमारे पास आया। और ऐसे तुम्हारे पास देखिए, आप समझेगा क्या, फिर से एक बार, ये माइनस फाइव पॉइंट मानते क्या एट होता है, एट माइनस एट आया, अब वो प्लस था तो वन माइनस कर दिए, प्लस मतलब वो तो बराबर क्या हो, सेवन। फिर से एक बार देखो, माइनस माइनस दोनों जुड़ गए, पांच तीन आठ, माइनस आठ रहेगा, संख्या जुड़ जाएगी पर माइनस आठ रहेगा, ठीक है, ये चीज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या हो, ये चीज आ गया, तो ये एक आपका हासिल बचा था, एक घट गया, ठीक है, ये चीज आ गया, ठीक, पर यहाँ माइनस रहेगा, माइनस बढ़ा रहेगा इसलिए बार लगेगा, ठीक है, ऊपर बार लग जाएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ बार लगेगा, ठीक है, ये चीज। अगला, इसी तरह से कंडीशन हमारे पास दी हुई, एक सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज हमारे पास क्या हो गया है, आठ दो दस, छ चार दो छह सात, नौ सात सोलह के छह, सात चार ग्यारह, एक बारह के दो, तीन दो पांच, तीन दो पांच, पांच माप ये देखो नीचे माइनस है, यहाँ प्लस चिन्ह रहेगा, तो ये चीज हमारे पास पता है, सिंपल माप जोड़ दीजिए, यहाँ तेरह, ठीक है, तो मैं जो भी घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा फोर थ्री, ये चीज फोर टू, क्लियर हुआ सबका, ये दोनों में आपका क्या हो जाएगा, इसमें वही चीज है, ये आपका दोनों को जोड़ देंगे, जो आए उससे घटा देंगे, तो पच्चीस हो रहा था, पच्चीस देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों ट्वेंटी फाइव हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव में जो आपका दशमलव बचा था इसी तरह से आप घटा दिए, तो पच्चीस में घट गया क्या है, चौबीस, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेस पर, अभी हमने एट पर बात किया, लेस पर बात करते हैं, उसी तरह से प्रक्रिया, सेम कंडीशन, फिर लेस करते हैं, कैसे, चलिए देखते हैं। हमारे पास लेस में आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का चिन्ह विशेष महत्व होता है, कैसे ध्यान रखिएगा, है ना, हम बात करते हैं सबसे बड़ी चीज, हाँ देखिए ये माइनस है, ये सिंपल माइनस है, आप सिंपल माइनस तो बन ही जाएगा आपका, हमारे पास क्या हुआ, वन हुआ, पॉइंट हुआ वन टू वन सेवन, ये आपका सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल, आप जैसे घटा देते इसके घटाते जाएंगे। अब यहाँ माइनस, एक आपका बार लगा हुआ है नीचे ऊपर और एक माइनस, ये चीज आपका दोनों चीज ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम बात करते घटाते, घटा के देखते हैं क्या क्या आता है, फाइव में फाइव घटाए जीरो आया, जीरो आ गया, ठीक है, इसमें हमारे पास घटाए तो ये आपका जीरो आ गया, ये क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, ठीक है, अब हमारे पास फोर आ गया, ये चीज आपको देखो माइनस ये है माइनस ये, तो दोनों क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस चिन्ह लगा रहता तो माइनस ट्वेल्व आ जाएगा, बस ये आंसर, बिल्कुल सिंपल। आप कोई सर घटा रहे हैं तो हाँ, माइनस माइनस आप जानते हैं एड होता है, पर चिन्ह का आपका वही रहता है, साइन में कोई डिफरेंट नहीं होता, साइन वही रहता है ट्वेल्व आगे, ठीक है, ये चीज। अब हम बात करते हैं दोनों तीनों चीज में, मान लीजिए माइनस हो हमारे पास, ये चीज आपके जैसे ये माइनस बार और ये नीचे, अब देखिए इसको थोड़ा सा जगह, ये सेकंड वाला गला, ये चीज एक माइनस ठीक है, दोनों दो, माइनस माइनस ये हुआ। अब इसको फिर लेस करते हैं, फाइव में लेस करते हैं, ये जीरो आया, फाइव फाइव लेस हो गया, फाइव में आपका क्या हो जाएगा, फाइव आ जाएगा, फोर जीरो आया, इसमें वन आया, पॉइंट आ गया, ठीक है। अब बात ये होती है हमारे पास कि हमारे पास सबसे बड़ी चीज होती है कि माइनस आगे माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या दिया है आपका आंसर, सबसे बड़ी चीज हमारे पास एक नॉर्मल बात करते हैं, माइनस माइनस आपका माइनस माइनस, देखो ये माइनस 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 प्लस, माइनस इनटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस, प्लस हो गया,
ये मानस है, तब घट जाएगा ये चीज। यदि दोनों एक भास मानस होता तो फिर जुड़ जाता, ठीक है, जैसे ऊपर वाली जुड़ गया, देखो ये चीज जुड़ गया, ठीक है। यहाँ तक एक माइनस, एक माइनस, एक माइनस, तीन माइनस हो गए, तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस आ गया, फिर माइनस हो गया, तो ये चीज आपका माइनस आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट पे, अब इसमें भी वही चीज कंडीशन, आगे सिंपल तरीके से कर दें, जीरो फाइव जीरो फोर पॉइंट माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज आपका टू हो जाएगा, ठीक। अब ये क्लियर हुआ इतना, आपके बिल्कुल सिंपल सवाल, ये चीज ध्यान रखिएगा। हमारे पास सबसे थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमारे पास यहां हमने प्लस प्लस कर दिया, यहां देखो माइनस 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 प्लस हुआ, प्लस हो गया, ये फोर में से हमारे पास क्या घट गया आपके, ये देखिए यहाँ ध्यान किया, यहाँ ट्वेल्व था, यहाँ तो एक चला गया था, है ना, यहाँ आपका एक टायर चला गया था, तो आपका फोर आ गया था, यहाँ क्या बचा है आपका, यहाँ आपका फाइव बचा, फाइव हुआ सेवन, ठीक है, सेवन में से हमने क्या निकाला, ये चीज हमारे पास बिल्कुल ध्यान रहे, बिल्कुल सिंपल तरीका है निकालने का, तो हमारे पास थ्री आएगा, ठीक है, ये चीज आपका हो गया, क्लियर। अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट, मल्टीप्लाई पर बात करेंगे, फिर डिवाइड पर और कैसे आगे बात करेंगे, आज हम केवल मल्टीप्लाई पर बात करेंगे। चलिए, मल्टीप्लाई में आपके क्या होता है, जब कोई मल्टीप्लाई का आता है तब इस सूत्र में बताए थे माइनस हो जाता है, ये दोनों चीज आगे क्या होता है, मल्टीप्लाई में रहती है पर ये माइनस हो जाती है, कैसे, जैसे यक्ष को लेफ्ट हमारे पास मानते हैं, माना कि लेफ्ट मतलब मानना होता है यक्ष है, अब यहां हमारे संख्या लिख देते हैं फोर सेवन फाइव जीरो, ठीक है, इंटू ट्वेंटी वन फाइव फाइव जीरो, ठीक है, ये हुआ आपका। अब इसे हम एक से वैल्यूएशन लिखते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज होती है, इनको हम काहे में कन्वर्ट करेंगे, काहे में कन्वर्ट करेंगे, प्लस में करेंगे कन्वर्ट, काहे में करेंगे, लॉग एक्स रहेगा ही, इसको लिखेंगे लॉग फोर सेवन फाइव जीरो माइनस लॉग 2150, ये चीज हो गई। अब हम बात करेंगे इस संख्या पे, तो आगे सबसे बड़ी चीज होती है चार संख्या डिजिट दी है, तो जैसे आप निकालते थे, जैसे आपका वेंटी लॉग कैसे निकालते, एन माइनस वन करेंगे, क्या करेंगे ऐसे कर लेते हैं एन माइनस वन, ठीक है, तो इसमें कितनी संख्या, फोर, फोर माइनस वन बराबर, फोर माइनस वन बराबर आपका थ्री, मतलब थ्री पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे कॉलम 47 का 5 नंबर, कौन सा 47 का 5 नंबर देखेंगे, ये सिंपल संख्या देखें, जैसे आपका 1 2 3 आपका 10 वाली देखना, 10 से 19 वाली टेबल, दशमलव वाली नहीं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 है ही, 47 का 5 नंबर, 5 नंबर 0 होता ही नहीं है, अभी वाले टेबल 0 नहीं, 47 का हम देखेंगे क्या हो जाएगा 67 और 67 है ना, प्लस माइनस है तो माइनस कर दे। अब इसी तरह 20 नंबर का 5 नंबर टेबल, इसी तरह से इसमें देख ले 3 to 4 आपका पॉइंट वही आएगा 3 पॉइंट, क्योंकि दोनों में संख्या सेम है, ये 3 पॉइंट है, ध्यान रखने, ठीक है, ये आपका डबल 3 to 4 डबल 3 to 4, ओके, बार बार टेबल नहीं देख रहे हैं हम, ये चीज आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए 47 का कौन सा टेबल नंबर 5, सिंपल वाली जो 10 से दशमलव वाली नहीं, ध्यान रखना सिंपल वाली 10 से लेकर जो 99 तक दी रहे, ये आ गया, ये आ गया, ये पूरे पॉइंट 3 कहां से आया, 3 माइनस 4 माइनस 1 4 माइनस 1 वही पॉइंट आ गया आपका। अब दोनों जैसे आप ऐड करते थे उसी तरह, जैसे अभी लेस किए थे, x बराबर लेस कर देंगे बस, अब आपका लेस हो जाएगा, लेस करेंगे हमारे पास आपका दोनों चीज आएगा, यक्ष बराबर यक्ष बराबर आ जाएगा दोनों का 7.0091 आ गया, ये चीज आया, अब आपका आंसर हो गया, ये चीज लॉग एंटी लॉग आ गया, ठीक, ये चीज यक्ष बराबर एंटी लॉग, आपने अभी एंटी लॉग निकाला था लॉग,
7 0 बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल तरीका है ना ये चीज। अब हम बात इकट्ठे और ले लेते हैं इसी तरह से, है इसी तरह लेट माना कि एक्स बराबर लॉग के रूप में हम आ गए 0.0037। अब इस बात ध्यान रखो, उसमें सिंपल संख्या थी, इसमें आपका दशमलव संख्या है, ये चीज ध्यान रखें। बस आपको सबसे बड़ी चीज हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनटू कर देंगे 0.0027 53। अब हमारे पास इसमें दो चीज ध्यान रखना, कभी भी हम कोई भी चीज काम करते हैं तो इसमें आगे शो कर लें लॉग या बराबर, तो क्या हो जाएगा लॉग माइनस रूप में आ जाएगा 0.0037 माइनस, माइनस में हो जाएगा पता है छोड़ दिया फोर फाइव है इंटू, यहाँ फोर फाइव इंटू 0.00 माइनस हो गया ना वहाँ पे, हाँ माइनस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा ये चीज आपका 5 2 5 5 3, ये चीज हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स आपका एंटी लॉग अब देखेंगे। अब यहाँ की दो चीज ध्यान रखना, यहाँ जब की भी दशमलव के रूप में रहता है तो क्या हो जाता है, यहाँ प्लस चलता है, क्या चलता है यन प्लस वन चलता है, ध्यान रखना सिंपल संख्या में क्या चलता है माइनस चलता था, अभी सिंपल संबंध देखा माइनस चला है सामने, यहाँ प्लस चलेगा तो हम लोग प्लस कर लेते हैं। प्लस में जब भी होता है तो हमारे पास देखो कितनी संख्या है 2, 0 दशमलव के बाद कितनी 2, तो हमने क्या कर लिया 2 प्लस 1 बराबर क्या हुआ 3, 3 के बाद हम दशमलव लगाएंगे, क्या हो इसमें भी आपका 2 है इसमें भी दो है हमारे तो चीज है, ठीक है। अब हम निकाल लें तो हमारे पास क्या वाला जी, अब इसमें क्या देखेंगे एंटी लॉग जीरो वाला दशमलव वाला क्या देखेंगे, जैसे 1.00 दिया रहता है उसमें देखेंगे, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, अब आपका x बराबर आपका लॉग आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा एंटी लॉग आपका आ जाएगा 3.3, आपका वही पॉइंट रहेगा तो क्या आ जाएगा पहला देखते हैं 57 35, 37 का चौथा नंबर और पांचवा कॉलम, ठीक है 37 नंबर का चौथा कॉलम और पांचवा नंबर आगे वाले में, ठीक है 63 64, ठीक है। अब हमारे पास ये दिया है 57 35 आएगा, प्लस कर देंगे 3.4398 आ गया, ये दोनों चीजें ये भैया आपका दशमलव आपका यही चीज वाला है और ये चीज दोनों एंटी लॉग निकल आया, तो x बराबर आपका एंटी लॉग आ जाएगा लॉग। अब हम बात करते हैं एंटी लॉग में, हमारे पास लॉग में दोनों को क्या करेंगे, ये आपका ध्यान रखिएगा यहाँ आपका बार लगता है, चिन्ह बार क्यों लगेगा क्योंकि कोई भी संख्या माइनस के अकॉर्डिंग आती है, ये वाली आपको माइनस के, तो माइनस माइनस अब जुड़ जाएगा फिर दोनों आपस में घट जाएंगे तो 5 आ जाएगा पॉइंट, दोनों के घटेंगे लास्ट में, प्लस माइनस माइनस हुआ अब फिर माइनस हो गया, ठीक है ये चीज 50133 ये आपका क्या हुआ एक्स बार आपका, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन हमारे पास लॉग एंटी लॉग निकालना एक बहुत ही सिंपल तरीका है, पर ये चीज आप ध्यान रखें थोड़ा सा टाइमिंग दिया करें उसमें आपको समझा करें उसको, एंटी लॉग टेबल दो प्रकार की होती है, एक आपका 10 से लेकर 99 तक होती है जिसमें आपका जो सूत्र आपका 1-1 चलेगा उसमें देखना है, और जहां प्लस वाला चलेगा तो आपका पॉइंट वाला जो दशमलव वाला आता है जैसे अभी लास्ट में हम ये बताए उस तरह से आपकी ये प्रक्रिया थी, ओके। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो हम आपसे मिलेंगे सेकेंड पार्ट में।